लास्ट टाइम आपको हमने बताया था कि ट्रेडिंग के लिए ट्रेडिंग अकाउंट और डीमैट अकाउंट दोनों की जरूरत पड़ती है। अब हम आपको बताएंगे कि ट्रेडिंग अकाउंट और डीमैट अकाउंट कैसे खोला जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ट्रेडिंग अकाउंट ब्रोकर के यहाँ खुलता है, जिसमें आप अपना पेमेंट डिपॉजिट करते हैं या जिससे आपका पेमेंट आता है। दूसरा, डीमैट अकाउंट डीपी, डीपी का मतलब होता है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। तो आजकल सभी ब्रोकर डीपी के मेंबर होते हैं और डीमैट अकाउंट डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट में खुलता है। इस तरह डीमैट अकाउंट भी ब्रोकर के यहाँ ही खुलता है। तो जब ट्रेडिंग अकाउंट और डीमैट अकाउंट इस तरह दोनों ब्रोकर के यहाँ खुल जाते हैं, जब आपको ट्रेड करना होता है तो अपन ट्रेडिंग अकाउंट में कुछ पैसे डिपॉजिट कर देते हैं और ब्रोकर को एक इंस्ट्रक्शन देते हैं या ऑनलाइन ऐप के थ्रू अपन कोई शेयर परचेज करते हैं। जब अपन शेयर परचेज करते हैं वो तभी संभव है जब दूसरा कोई क्लाइंट उस शेयर को बेचता है। मतलब एक आदमी शेयर बेचता है थ्रू ब्रोकर और एक आदमी शेयर खरीदता है थ्रू ब्रोकर। जो आदमी शेयर बेचता है वो शेयर ब्रोकर को देता है और जो आदमी शेयर परचेज करता है ब्रोकर उस परचेज क्लाइंट के ब्रोकर को शेयर देता है और परचेज क्लाइंट का ब्रोकर क्लाइंट को शेयर ट्रांसफ़र कर देता है। शेयर्स डीमैट अकाउंट में ट्रांसफ़र होते हैं और पेमेंट ट्रेडिंग अकाउंट में डाला जाता है। सपोज़ कीजिए हमने कोई शेयर परचेज किया तो हम अपने ट्रेडिंग अकाउंट में 1,00,000 रुपये डाल दिया और 1,00,000 रुपये के शेयर परचेज किया और वो शेयर सामने वाले दूसरे ब्रोकर के थ्रू हमारे ब्रोकर को आता है और फिर हमारे डीमैट अकाउंट में आ जाता है। अब आपको ये देखना है कि जो ये शेयर्स कितने दिन में आपको आते हैं, तो उसका एक प्रोसीजर है जो कि एक सेटलमेंट कहलाता है। जैसे कोई शेयर अपन ने आज ख़रीदा तो उसकी पेमेंट कल हो जानी चाहिए 9:30 बजे तक और उसी टाइम शेयर आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो ये जो सिस्टम, इसको अपन सेटलमेंट कहते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स हैं वो कितने होते हैं। अपने यहाँ दो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स हैं, एक NSDL दूसरा CDSL। नेशनल NSDL का मतलब है नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड और CDSL का सेंट्रल डिपॉजिटरी सिक्योरिटी लिमिटेड। इस तरह इन दो जगह पे डीमैट अकाउंट खोले जाते हैं। और हमने आपको बताया कि किस तरह परचेज या सेल होता है, ये तो अभी हमने बताया परचेज का। अगर आपको कोई शेयर सेल करना है तो आप एक इंस्ट्रक्शन ब्रोकर को देंगे या ऑनलाइन उस शेयर को सेल करेंगे और वो जो शेयर सेल करेगा वो आपके डीमैट अकाउंट से ब्रोकर के अकाउंट में चला जाएगा और जो हमारा ब्रोकर है वो जो सामने वाला ब्रोकर जिसने परचेज किया उसको शेयर दे देगा और वो जो सामने वाला ब्रोकर अपने क्लाइंट को शेयर दे देगा और उससे पेमेंट ले लेगा। इस तरह ये प्रोसेस होती रहती है। अब जो ट्रेडिंग का टाइम है वो मार्केट में सुबह 9:15 से 3:30 तक होता है। मतलब कोई भी शेयर्स आप सुबह 9:30 से 3:30 बजे के बीच में खरीद या बेच सकते हैं। आपको हमने एक तो ये बताया कि दो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स हैं। इसी प्रकार शेयर ट्रेडिंग करने के लिए दो एक्सचेंजेस हैं इंडिया में, एक है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और दूसरा है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की जो बॉडी है, बोर्ड है, उसमें गवर्नमेंट का कंट्रोल है, जबकि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बॉडी है उसमें ब्रोकर्स का कंट्रोल है। इस तरह दो एक्सचेंजेस हैं जो यहाँ पे ट्रेडिंग होती है। आप दोनों एक्सचेंजेस में अपना अकाउंट खोल सकते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट और डीमैट अकाउंट NSDL या CDSL में थ्रू ब्रोकर खोल सकते हैं और अपना ट्रेड कर सकते हैं। अब ये जितना भी ये आपका ट्रेडिंग होता है या जो भी एक्सचेंजेस हैं या DPA, इन सब की जो रेगुलेटर है वो SEBI है, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि ये देखती है कि जितने भी ये ट्रेड हो रहे हैं या सेल्स परचेज हो रहा है या इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो प्रॉपर हो रहा है कि नहीं है, उसका प्रॉपर सेटलमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लोगों को टाइमली ब्रोकर्स को आपस में पैसे मिल रहे हैं, शेयर्स मिल रहे हैं। तो ये एक पूरी की पूरी प्रोसीजर है। अब आपको ये था कि जो ट्रेडिंग अकाउंट खोला जाता है और डीमैट अकाउंट खोला जाता है उसके लिए क्या चीज़ ज़रूरत पड़ती है। उसके लिए जैसे ट्रेडिंग अकाउंट या डीमैट अकाउंट खोलने के लिए एक अपन को आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए होता है, उसके लिए पैन कार्ड की रिक्वायरमेंट होती है, एक एड्रेस प्रूफ होता है
उसके लिए आधार कार्ड की जरूरत होती है और बैंक अकाउंट के लिए एक कैंसिल चेक की जरूरत होती है। अगर ये तीन चीज़ें हैं तो आपका अकाउंट खुल जाता है। इस तरह ये टोटल एक प्रोसीजर है जिससे आप शेयर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं।